नहीं नहीं बहुत उत्साह है, यहाँ बहुत ऊर्जा है, आप देख ही रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जीत एक तारीख को सुनिश्चित है। महागठबंधन की जो आवाज़ है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो यहाँ पर एक तूफान की तरह यहाँ पर बिहार में मौजूद है। यहाँ पर नाराज़गी भी है बहुत, मौजूदा सांसद से परेशानी है, कभी वो आए नहीं, मौजूद हुए नहीं लोगों के सुख दुख में। प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना होगा कि उनके वादे कहाँ गए, जो किया था यहाँ से, उनका स्पेशल पैकेज का क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ का। साहिब से प्रत्याशी अंशुल अभिजीत जी, उनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है अंशुल जी, मिजाज कार्यकर्ताओं में कैसा है? नहीं नहीं बहुत उत्साह है, यहाँ बहुत ऊर्जा है, आप देख ही रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जीत एक तारीख को सुनिश्चित है, इसलिए। आज चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि राहुल जी, खड़गे जी बहुत लेट मोर्चा संभाल रहे हैं, क्या वजह है? नहीं नहीं मोर्चा क्या संभालना है यार, देखिए यहाँ पर तो मोर्चा संभला हुआ है, महागठबंधन की जो आवाज़ है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो यहाँ पर एक तूफान की तरह यहाँ पर बिहार में मौजूद है, और यहाँ पर एक तरह से हमारी जीत एक तारीख को सुनिश्चित ही नहीं है, यहाँ पर नाराज़गी भी है बहुत, मौजूदा सांसद से परेशानी है, कभी वो आए नहीं, मौजूद हुए नहीं लोगों के सुख दुख में, तो एक नाराज़गी भी है, और हमारी जो सकारात्मक जो राजनीति है, हमारी जो योजनाएं हैं, वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रही हैं। आखिर चुनाव का आधार क्या होता है, लोगों के बीच में जाएं, अपनी अपनी योजनाएं बताएं, अपनी गारंटी बताएं, जिसको हम कहते हैं पहली नौकरी पक्की, जो महिलाएं हैं सालाना 1 लाख रुपये, कर्ज़ माफ़ी किसान की, जो हर वर्ग के लिए हमारे पास योजनाएँ हैं, और इसी आधार पर हम अपनी जीत को दर्ज करेंगे। मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है, लगातार बिहार आना पड़ रहा है, क्या क्या वजह है कि मोदी जी इतना रोड शो कर रहे हैं? आप समझते हैं क्या वजह हो सकती है, इतना दबाव है, इतना परेशान है, वो वकालत करनी पड़ रही है अपने सांसद की, जो बीच में कभी आए नहीं, और मौजूद, और प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना होगा कि उनके वादे कहाँ गए, जो किया था यहाँ से, उनका स्पेशल पैकेज का क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ का, विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे उसका क्या हुआ, बाढ़ की समस्या है यहाँ पर खुसरूपुर में, जल जमाव की समस्या है, फतुआ की जाम की समस्या है, दनियावा में पानी नहीं मिल रहा है, इतने सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका समाधान कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री जी मैं स्वागत करता हूँ, आए एक बार नहीं 10 बार आए, लेकिन लोगों का की जो समस्याएं उनको सुनिए, उनका समाधान भी करिए। 40 में से 40 बिल्कुल तय है, और हम मजबूती से सामने आएंगे, पूर्ण बहुमत हमें मिलेगी। चलिए तो साफ साफ कहना है अंशुल अभिजीत जी का कि पटना साहिब से जो प्रत्याशी है कि 40 में से 40 तय है, और प्रधानमंत्री के लगातार आने पर उन्होंने कहा है कि आप तो समझते ही हैं कि क्यों बार बार प्रधानमंत्री मोदी को बिहार दौरा करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा, 4 जून को नतीजे स्पष्ट होंगे, 1 को चुनाव भी है, बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।